स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन को लेकर कोविन नाम से एक ऐप तैयार किया है। इससे वैक्सीन पर निगरानी और इसके डेटा की जानकारी और लोगों को वैक्सीन के लिए रजिस्टर करवाना इस ऐप का मुख्य काम होगा। बता दें कि ऐप के नाम पर धोखाधड़ी भी हो रही है, इसलिए ध्यान रखें कि अभी तक यह ऐप लॉन्च नहीं हुआ है। ऐसे में कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें, आधिकारिक ऐप आने के बाद ही उसका नाम अच्छे से पढ़ें और उसमें डेवलपर जरूर देखें, इसके बाद ही उसे डाउनलोड करें। बता दें दिल्ली समेत 13 अलग अलग शहरों में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की 56.5 लाख खुराक पहुंचाई जा रही है। 16 जनवरी से पहले चरण का टीका शुरू हो जाएगा। इसमें दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलांग, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, पटना, बेंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ शामिल हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के बाद भारत बायोटेक का टीका भी दिल्ली समेत कई शहरों में पहुंच गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में वैक्सीन की पूजा की गई। आज करीब 3000 केंद्रों के लिए देश भर के कोल्ड चेन में 1,65,00,000 वैक्सीन पहुंचेंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से ये भी कहा है कि वे प्रत्येक स्थल पर ज्यादा संख्या में टीकाकरण ना करें। मंत्रालय ने बताया, राज्यों को सलाह दी गई है कि वे 10% आरक्षित खुराकों और रोजाना प्रत्येक सत्र में औसतन 100 टीकाकरण को ध्यान में रखते हुए टीकाकरण सत्रों का आयोजन करें। इसलिए राज्यों को सलाह दी जाती है कि प्रत्येक टीका केंद्र पर हड़बड़ी में तय सीमा से ज्यादा संख्या में लोगों को ना बुलाएं। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि टीकाकरण अभियान के पहले दिन करीब 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 16 जनवरी को करीब 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को 2,934 केंद्रों पर टीके लगाए जाएंगे। प्रत्येक टीकाकरण सत्र में अधिकतम 100 लाभार्थी होंगे। आपको बता दें, कोरोना के टीकाकरण की वजह से 17 जनवरी को पोलियो का टीका भी नहीं मिलेगा। 16 जनवरी से देश में शुरू हो रहा है देश का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। इसके साथ ही दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर्स की संख्या 89 से घटकर 75 की गई है। 16 जनवरी को सिर्फ 75 सेंटर पर ही कोरोना का टीका लगेगा। दिल्ली सरकार की टीकाकरण कार्यक्रम के रोल आउट प्लान पर अहम समीक्षा बैठक भी होगी। पश्चिम बंगाल के बाद दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने भी कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने का ऐलान किया है। साथ ही सीएम केजरीवाल ने ये भी कहा कि केंद्र ने फ्री वैक्सीन नहीं दी तो हम फ्री देंगे। जरा ठहरिए और जरा सोचिए कि आपका पैसा और समय कहीं हॉस्पिटल की दहलीज या पैथोलॉजिस्ट के घर पर तो नहीं जा रहा। अगर आप सारे इलाज और सारे प्रयोजन करके थक गए हैं तो जरूरत है सही डॉक्टर की और सही दवा की। तो आइए महर्षि कृपा शक्ति में और बचाइए अपना समय और पैसा। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।